नमस्कार, मैं ज्ञान सुमन आपका फैसला की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शूलनी नगर की सड़क को नडोग गांव से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर राजीव सैजल। सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में एक ऐसा कस्बा है जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची थी। इस कस्बे में जब भी कोई रोगी बीमार होता तो उसे अस्पताल के लिए पीठ में उठाकर ले जाना पड़ता था, लेकिन इस वार्ड के पार्षद व वरिष्ठ भाजपा नेता पवन गुप्ता ने शूलनी नगर के लिए सड़क निर्माण का कार्य पूरा करवाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल व खादी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम गुलेरिया ने सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क के निर्माण से लोग बेहद खुश हैं। लोगों ने इस सड़क के निर्माण के लिए पवन गुप्ता का आभार जताया है। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस सड़क को नडोग गाँव तक जोड़ा जाएगा और इसके निर्माण पर जो भी खर्चा आएगा वह सरकार वहन करेगी। डॉक्टर सैजल ने कहा कि आज हम यहाँ ये सड़क यहाँ तक बनी है और ये कभी जो है ऐसा लोकेलिटी थी, ये जो शूलनी नगर जिसको हम बोलते हैं, कि जहाँ लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लोगों के लिए सपना था कि भाई सड़क बनेगी ही कभी कि नहीं बनेगी। और बात यहाँ तक थी कि भाई जो यहाँ लोग बसे हुए थे तो उनके रिश्तेदार भी यहाँ नहीं आते थे कि भाई हम इतना नीचे नहीं जाएंगे। तो बुज़ुर्ग घर में बीमार हो जाता था तो उसको ले जाने की जो है बहुत ज़्यादा समस्या थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ सम्मानी पवन गुप्ता जी को, इनके प्रयासों से जो है ये संभव हुआ है कि ये सड़क जो है आज यहाँ तक पहुँची है और लोगों को बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है वो मिली है। अब सब लोग जो है, मैं देख रहा था, सब ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ तक नीचे तक लोग अपनी गाड़ियाँ ला रहे हैं और सब बहुत जो है इस सड़क को निर्माण को लेकर के जो है बहुत खुश हैं। अब ये जो है इसको कनेक्ट करना है नीचे नडोग तक, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब सड़क यहाँ तक बन गई है और इसको आगे भी जो है नडोग गांव तक जो भी इसमें जो खर्चा आएगा उसको सरकार वहन करेगी, उसको सरकार जो है उस पैसे को उपलब्ध करवाएगी ताकि हमारा जो नीचे वाला जो इलाका है वो भी इस सड़क से जो है जुड़ जाए, लोगों को जो है फैसिलिटी मिले, लोगों का जीवन जो है वो सुगम हो जाए। तो ये प्रयास है हमारा, बहुत जल्दी इसके लिए बजट जो है हमें।